नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो सबसे अच्छा गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या हो सकता है। इसमें हम कंपेयर करेंगे तीन तरीके के गोल्ड इन्वेस्टमेंट को, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड। आपके सामने ये चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट से हम आपको समझाएंगे कि फिजिकल गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में हमको क्या क्या डिफरेंस मिलता है, क्यों सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। जैसे आप देख रहे हैं रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे तीनों के रेट आप देख रहे हैं, 1 ग्राम की रेट 6,261 चल रहा है मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में रेट तो तीनों के सेम रहेंगे। मान लेते हैं आप इसमें 100 ग्राम से इन्वेस्ट करते हैं, 100 ग्राम आप सोना लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 6,26,100। तीनों में इन्वेस्टमेंट हमारी सेम रहने वाली है क्योंकि क्वांटिटी सेम रहने वाली है, 100 ग्राम की क्वांटिटी है तो सेम है। और हमको यहाँ पे फिजिकल गोल्ड आप लेंगे तो आपको GST यहाँ पे देनी पड़ेगी 18,783 आपको 3% GST देनी है, प्लस आप उसकी कोई ज्वेलरी बनाओगे तो 8% मेकिंग चार्जेस देने हैं जितनी भी आपकी है, तो 50,000 आपकी मेकिंग चार्जेस होगी, प्लस 5% मेकिंग चार्जेस पे GST देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2500 के आसपास आपकी मेकिंग चार्जेस में GST पड़ेगी। वहीं गोल्ड ETF में कोई आपको GST नहीं देनी है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने, वही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी है। और अगर आप लॉकर में रखते हैं अपना एक गोल्ड तो 1200 रुपये पर NM के हिसाब से 8 साल का आप देख रहे हैं 9,600 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और वहीं गोल्ड ETF में कोई लॉकर चार्जेस, लॉकर में रखना है नहीं तो कोई चार्जेस नहीं देने हैं, ये आपके डीमैट अकाउंट में होंगे और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड भी आपके RBI रिटेल डायरेक्ट के अकाउंट में होंगे, तो यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं देने। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.8% पर NM के हिसाब से 8 साल का एक्सपेंस रेशियो गोल्ड ETFs में आपका 40,000 रुपये होगा। फिजिकल गोल्ड में कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होगा, वहीं सॉवरिन गोल्ड में भी कोई एक्सपेंस नहीं होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें 8 साल की तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल गोल्ड में आपके 7,07,000 और गोल्ड ETF में 6,66,000, 6,66,000, वहीं सॉवरिन गोल्ड में 6,21,000 रुपये, ये आपके फाइनल कॉस्ट रहने वाली है। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट टू कंज्यूमर, अगर आप 8 साल के लिए कोई गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड रखते हैं तो ये आपकी कॉस्ट रहने वाली है। उसके बाद हम अगर 8 साल बाद की बात करें, आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ होल्डिंग्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैच्योरिटी वैल्यू अगर 9% की CAGR से अगर गोल्ड हमको रिटर्न देता है, मान लेते हैं 9% की दर से वो बढ़ा, तो गोल्ड की वैल्यू, आपने इन्वेस्टमेंट तो 6,26,000 की थी, इतने का गोल्ड आपने लिया था, बाकी आपके अदर एक्सपेंसेस थे गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड में, तो वैल्यू आपकी 6,26,000 थी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे 12,47,000, 12,47,000 तीनों में ही सेम रहने वाली है। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में, वहीं गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, बस गोल्ड की प्राइजेज में जो एप्रिसिएशन होगा उसी का फ़ायदा आपको मिलेगा और वो फ़ायदा आपको तीनों में ही यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको सिर्फ SGB पे मिलेंगे, SGB पे वो 2.5% पर NM के आपको इंटरेस्ट मिलता है। प्री टैक्स गेन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री टैक्स गेन कितना होगा, टैक्स से आपका टोटल गेन 8 सालों के अंदर फिजिकल गोल्ड में 5,40,000 हुआ, गोल्ड ETF में 5,80,000, वहीं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में 7,50,000 यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ है। अगर फाइनल में आप पोस्ट टैक्स गेन यहाँ पे देखें तो फिजिकल गोल्ड में हमको 4,90,000 और गोल्ड ETF में 389 और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में 709 इतना फ़ायदा होने वाला है। तो एनुअलाइज पोस्ट टैक्स रिटर्न हम देखें तो गोल्ड ETF में हमको 5.9, फिजिकल गोल्ड में 6.8 और वहीं सॉवरिन गोल्ड में 10% का हमको एनुअलाइज पोस्ट टैक्स रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर काफ़ी वीडियो हमने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, धन्यवाद।